बाइनरी संख्याओं का अभी हम गुणा करना सीखेंगे। इसके लिए आपको कुछ नियम याद रखने होंगे। पहला जो नियम है, 0×0 0 होता है। दूसरा नियम 1×1 1 होता है। तीसरा नियम 0×1 या 1×0 0 होता है। ये आपको तीन नियम याद रखने हैं। जैसे यहाँ पर हम ये एग्जांपल लिया, पहला उसमें मैं 1 को पूरे के साथ मल्टीप्लाई करवाऊँगा। जैसे ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है तो पहले मैं 1 को मल्टीप्लाई करवाऊँगा, तो 1×1 1 0×1 0 1×1 1 0×1 0 1×1 1। उसके बाद सेम ही है जो कि हम मैथमेटिक्स में करते हैं। अब जीरो को चाहे किसी के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, हम 1×0 0×0 1×0 सब जीरो होगा, तो 0 0 0 0 और 0। अब और ये 1 बच गया, इसको मल्टीप्लाई करवा दें इसके साथ, तो 1 0 1 0 1। ओके, अब क्या करते हैं, हम इनको जोड़ते हैं। और जोड़ने के नियम भी हम जानते हैं कि 1+1 कितना होगा, 0 और 1 क्या जाएगी, हासिल जाएगी, 1+0 1 0+0 0 या 0+1 भी 1 ही होता है। तो यहाँ पर केवल 1 ही है तो 1 लिख देंगे, 0+0 0। अब ये तीन स्टेप है तो पहले इन दो स्टेप को जोड़ते हैं, फिर इनका जो रिजल्ट आता है वो उसके साथ जोड़ते हैं। तो 1+0 1+0 1 यानी इसका रिजल्ट 1 आया। तो अब 1 इनका रिजल्ट और ये 1+1 1+1 0 और 1 हासिल, 1 क्या आ गई, हासिल। तो 1+0 1 इनका रिजल्ट प्लस ये 1+0 1 रिजल्ट और प्लस ये 1+0 1। यहाँ पर 1+0 1 1+1 0 और 1 हासिल, 1+0 1 1+0 1 और ये 1। तो इनका अपना जो गुणा है वो क्या आ गया, 1 1 0 1 0 0 1। ओके, अब हम इसे प्रूव करना चाहें कि पहले दशमलव संख्या में कन्वर्ट करें, उसके बाद देखें कि हमने जो गुणा किया वो सही है या गलत। तो दशमलव संख्या में कन्वर्ट करने के लिए हम जानते हैं क्या करते हैं, 2 की पावर को क्रम वाइज से काम में लेते हैं। 2 1×2 0 1×2 0 0×2 1 1 2 2 2 1 2 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
5 और 16 कितने आ गए, 21 आ गए। सिमिलरली इसको मैं कन्वर्ट करूं इसमें दशमलव संख्या में, तो 1 × 2 की पावर 0, 0 है तो 0 आएगा, 0 × 2 की पावर 1 होगा, 1 × 2 की पावर 2 कितना आ गया, 4 और 5। ओके, अब यहाँ पर हमने किसका मल्टीप्लाई करवाया है, 21 × 5 का, 5 और 10 यानी 105। अब हम इसको करेंगे तो ये रियल में ही कितना आएगा, 105 आएगा। इसको करने का सेम ही प्रोसेस आएगा, 0 + 0, 1 × 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 2 की पावर 6, ये 2 की पावर 5 है। तो देख लीजिए ये पूरा कितना आ रहा है, 105 आ रहा है, यानी जो हमने मल्टीप्लाई किया है वो सही है। इस प्रकार से आप इन्हें दशमलव संख्या में कन्वर्ट करके प्रूव भी कर सकते हो। आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए आपका धन्यवाद, आभार। सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे चैनल को।